कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ है, जो कि हर मे बी आप हर फाइनेंशियल में बोल सकते हैं आती है, बट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी अपडेट्स आ चुकी हैं। वो अपडेट ये है कि कैसे आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ सकती है अगर आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन स्कीम में आप कैसे जा सकते हैं, उसकी ड्यू डेट्स क्या है और आपको कौन सा फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर आप उसको सबमिट करते हैं तो आपकी आगे की पेमेंट और लाइबिलिटीज़ की क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कंपोजिशन स्कीम में आप कैसे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने जीएसटी की वीडियोस के साथ, जिसमें मैं आज कंपोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा सेम कॉमन पोर्टल पे जहाँ पे आप अपनी फाइलिंग करते हैं, उस पे आपको फॉर्म GST CMP 02, मींस GST Composition 02, ये फॉर्म नेम है, इससे आपको कंपोजिशन में जाने के लिए आप फाइल कर सकते हैं। इसे फाइल कैसे करना होगा? फाइल करने के लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद आपको सर्विसेज में जाना होगा। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। रजिस्ट्रेशन में आप एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी उसमें जाना होगा, और उसमें केवल आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पूछे गए होंगे, और डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन करके आप उसे DSC या फिर EVC के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, DSC क्या है और EVC क्या है, अगर आप इससे अनरिलेटेड हैं, मीन्स अभी तक इससे अनअवेयर हैं आप, तो हमारी वीडियोस DSC कैसे आप बनवा सकते हैं, डिन और DSC के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे सेम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, इसको फॉर्म को ड्यू डेट क्या होगी जब सबमिट करना है? 31st March 2020, मींस 31 मार्च से पहले पहले आपको इस वीडियो को देख के मींस सारी फॉर्म को सबमिट कर देना होगा CMP 02 को। अगर आप इसके बाद में सबमिट करते हैं तो आप इस ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी तक कोई ऐसी डेट नहीं स्पेसिफाइड है जो कि 31 मार्च को एक्सटेंड की गई हो। अभी तक जो ड्यू डेट है आपकी वो 31 मार्च 2020 ही है। इसके बाद अगर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम के लिए, आपने कुछ पहले नॉर्मल टैक्स पेयर में थे आप, तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी थी इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपने जो अवेल की होंगी, या तो वो गुड्स से रिलेटेड होंगी या फिर सर्विसेज से रिलेटेड, आपने कहीं ना कहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ किया होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको ITC 03 फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको पुराना जितना भी ITC आपने अवेल किया है या अभी जो ड्यूरिंग द ईयर अभी बचा हुआ है, उस ITC को डिक्लेयर करना होगा, मींस उसका अब आगे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तब। दोस्तों, अब आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा फाइलिंग के लिए? आपका फॉर्म जो जाएगा वो GSTR 4 जाएगा, जो कि एनुअली आप फाइल कर सकते हैं, और रेगुलर पेमेंट्स के लिए आपको फॉर्म आता है PMT 08, मींस अब आपकी जो फाइलिंग होगी GST की वो एनुअल फाइलिंग होगी, वो फॉर्म में होगी GSTR 4 में, और आपकी जो पेमेंट्स है वो हर मंथली जैसे भी पेमेंट्स आपकी जितनी भी होती है उस बेस पे आप GST PMT 08 फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं, मींस पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। दोस्तों, ये थी कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कुछ बातें, मैं इसको जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। आपको अगर आप कंपोजिशन में ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2020 से पहले ऑप्ट कर सकते हैं, वे लॉगिन करें, सर्विसेज में जाएं, रजिस्ट्रेशन में जाएं, एप्लीकेशन टू फाइलिंग कंपोजिशन लेवी में जाएं, उसके बाद उसे DSC या फिर EVC से डिक्लेरेशन के साथ सबमिट करें, उसके बाद आपको ITC 03 फॉर्म को भरना होगा और उसमें अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल करना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यूज़ कर पाएंगे PMT 08 का और GSTR 4 का अपनी आगे एनुअल, मींस इस फाइनेंशियल में 20 और 21 में आप यूज़ कर पाएंगे कंपोजिशन स्कीम के अंडर। दोस्तों, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो आपकी
कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद छूट जाएंगी। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए आप हमारी पहली वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी छूट जाएंगी, मीन्स आप जो नॉर्मल टैक्स पेयर से डिफरेंट हो जाएंगे वो क्या क्या चीज़ें होंगी वो कवर्ड हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेम वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्या है कंपोजिशन स्कीम के लिए, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।